हाय, दिस इज मनीषा सिंह। स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। फ्रेंड्स, आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और परीक्षा की तैयारी भी आपकी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो हाजिर हूँ आप सभी के बीच एक और जबरदस्त गवर्नमेंट जॉब की अपडेट को लेके, जो कि डायरेक्ट निकल के आ रही है DSSSB यानी दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से। ग्रुप डी के लिए आपकी अच्छी खासी नंबर ऑफ सीट पर वैकेंसी आउट हो चुकी है। इसके लिए ऑल इंडिया के मेल एंड फीमेल दोनों ही कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आप भी इच्छुक हो इसके बारे में डिटेल जानने के लिए, तो वीडियो को एंड तक जरूर वॉच करना फ्रेंड्स। और अगर इससे रिलेटेड ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड करना चाहते हो, तो वो मिलेगा आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे। मेरे टेलीग्राम चैनल, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, तीनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है। आप चाहो तो वहां पर भी फॉलो कर सकते हो। चलिए, अब ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट से हम लोग डिस्कशन की शुरुआत कर लेते हैं। जैसा कि पहले ही बता दिया है कि DSSSB में ग्रुप डी की नई रिक्रूटमेंट आई है। दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के तहत टोटल 102 पोस्ट रहेंगे। अब पोस्ट नेम की अगर बात करें, तो प्रोसेस सर्वर एंड प्यून ऑर्डरली डाक प्यून की वैकेंसी रहेगी। 3 सीट आपका है प्रोसेस सर्वर के लिए, प्यून ऑर्डरली और डाक प्यून के लिए 99 सीट रहने वाला है। फॉर्म कब से कब तक अप्लाई होगा, ये ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है 12 मार्च से, एंड लास्ट डेट टू अप्लाई आपका 18 अप्रैल है। तो आपको 18 अप्रैल तक बिल्कुल भी वेट नहीं करना है, जितना जल्दी हो सके फॉर्म ऑनलाइन हो रहा है अप्लाई कर दो। अप्लाई करोगे तो फी क्या लिया जाएगा, आइए मैं बता दूं। जनरल OBC और EWS से 100 रुपीज लिया जाएगा। वहीं पर अगर आप SC ST कैंडिडेट हो, फीमेल कैंडिडेट हो, तो आपसे कोई फी नहीं लिया जाएगा। चलिए अब देख लेते हैं कि एज की लिमिट क्या होने वाली है। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू कि किस डेट से आपका एज कैलकुलेशन किया जाएगा। एज ऑन 18th of April 2024, मतलब 18 अप्रैल 2024 के अनुसार 18 वर्ष से 27 वर्ष के सभी कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल रहेंगे। साथ ही साथ आपको पता है कि अपर एज में रिलैक्सेशन दिया जाता है OBC को 3 ईयर्स का और SC ST को 5 ईयर्स का। और अभी तक आप समझ ही गए होंगे कि ग्रुप डी की पोस्ट है, तो इसका क्वालिफिकेशन क्या होगा। फ्रेंड्स, ये 10th पास कैंडिडेट के लिए है। तो जो भी 10th पास कैंडिडेट है, डजंट मैटर कि उनका क्या परसेंटेज है, सभी इलिजिबल रहेंगे। चलिए अब आगे हम लोग देख लेते हैं कि किन किन स्टेज से गुजरने के बाद यहाँ पर आपका सिलेक्शन होगा। फ्रेंड्स, आपका 3 स्टेज है, लेकिन आपका प्रोसेस सर्वर के लिए आपको 3 स्टेज है। अदर जो आपका प्यून और डाक प्यून का वैकेंसी है ऑर्डरली का, उसके लिए सिर्फ और सिर्फ आपका ऑनलाइन CBT यानी एक एग्जाम होगा, फिर आपका 15 मार्क्स का एक इंटरव्यू, पर्सनल इंटरव्यू होता है, फिर सिलेक्शन हो जाएगी। प्रोसेस सर्वर की पोस्ट के लिए पहले ऑनलाइन CBT होगा, उसके बाद ड्राइविंग या स्किल टेस्ट आपका डिपेंड करता है, फिर आपका इंटरव्यू होगा 15 मार्क्स का, देन आपको आपकी ज्वाइनिंग लेटर दी जाएगी। और आपको बता दूं फ्रेंड्स कि ऑल इंडिया के जो भी कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई करेंगे, सभी का जो ऑनलाइन एग्जाम सेंटर होगा वो आपका दिल्ली के ही डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस में होने वाला है, और जॉब लोकेशन भी दिल्ली के अंदर ही होगा। चलिए आगे बता दूं कि एट फर्स्ट स्टेज आपका जो ऑनलाइन CBT होगा उसका क्या पैटर्न है। फ्रेंड्स, पेपर में होंगे 100 क्वेश्चंस, 100 मार्क्स के लिए, मतलब पर क्वेश्चन 1 मार्क दिया जाएगा। टाइम विल बी 2 आवर्स, 2 घंटे का पेपर होगा, और निगेटिव मार्किंग 1/4 का रहेगा। अब बता दूं कि किन किन सब्जेक्ट से कितना कितना क्वेश्चन होगा। इंग्लिश से होंगे आपको 25 क्वेश्चन, हिंदी से होंगे 25 क्वेश्चंस, अर्थमेटिक से 25 क्वेश्चन, एंड लास्ट सब्जेक्ट है आपका GK GS, इससे आपका 25 क्वेश्चन होगा। सो ये ओवरऑल आपका 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के लिए हो गया। आई होप एग्जाम पैटर्न आप समझ गए होंगे, लेकिन एक चीज और बताते चलो कि मिनिमम पासिंग मार्क्स क्या नोटिफिकेशन में बताए गए। देखिए, जनरल कैंडिडेट के लिए 50% कम से कम आपका होना चाहिए, मतलब 50% का क्या मतलब, 50 नंबर कम से कम पासिंग मार्क्स रखा गया है। रिजर्व्ड कैटेगरी वालों के लिए 45%, मतलब 45 नंबर। तो जब इस एग्जाम में क्वालिफाई होते हो, तो आपका क्या होगा, पर्सनल इंटरव्यू होगा, उसको क्लियर करने के बाद क्या होगा, आपको ज्वाइनिंग लेटर दे दी जाएगी मेरिट लिस्ट में नाम आने के बाद, फिर आपको ज्वाइन कराया जाएगा। तो सैलरी क्या मिलेगी, आइए मैं बताते चलूं।
देखिए आपकी सैलरी यहाँ पर होगी 25,500 से स्टार्टिंग एंड आफ्टर पर्स अलाउंसेस हर साल की बढ़ोतरी के बाद आपकी सैलरी 81,100 रुपया हो जाएगी। तो अपॉर्चुनिटी अच्छी खासी है और इसका सारा डिटेल भी मैंने आपको बता दिया है, तो आप लोग इस डिटेल के थ्रू आप इसका लाभ उठा सकते हो। इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम पे, वहां से डाउनलोड करके थॉरो आउट रीड भी कर सकते हो। आई होप सारा डाउट क्लियर हो गया होगा। अब भी कोई क्वेरीज है तो कमेंट करें, वहां पर आपका क्वेरी सॉल्व कर दिया जाएगा। अदरवाइज वीडियो पसंद आई हो, यूजफुल लगी हो तो एक लाइक करना है, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करते जाना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑल पे सेट करके जाना है ताकि सारी नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो मिलूंगी फिर से किसी गवर्नमेंट जॉब की अपडेट के साथ। टिल देन स्टे ट्यून, बाय बाय, टेक केयर।